ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हेलो जी, राम राम। आज सोमवार का व्रत है और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पूजा की थाली में भगवान से पूजा हम कर रहे हैं। पूजा की थाली में क्या क्या रखते हैं तो यहाँ पर ये देखिए, दूध, जल, दूध, दही, शहद, शक्कर और फिर चंदन का स्नान होता है। और यहाँ पर मैंने रखा है ये भस्म, भस्म स्नान होता है। सात स्नान होने के बाद फिर पंच ये सातों चीज मिला के इनका स्नान करवाते हैं बाबा भोलेनाथ को। उसके बाद जनेऊ चढ़ता है, पुष्प चढ़ते हैं, वस्त्र के रूप में हम यहाँ पर ये नाला यूज करते हैं, ऋतु फल यूज करते हैं, धूप, दीप, घी, घी का स्नान भी होता है। अभी सब स्नान में घी का स्नान भी होता है। इसमें पान सुपारी का भोग लगता है और तिलक होता है चंदन का और भस्म का, ठीक है। उसके बाद बेलपत्र भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है तो सोमवार के दिन बेलपत्र को बिल्कुल भी ना तोड़े, एक दिन पहले तोड़ के फ्रिज में रख ले। तो यहाँ पर मैं अभी दुकान से भी लेके आई, कुछ सामान नहीं था। जो पान सुपारी इत्र, इत्र भगवान शिव को लगता है पूजा में। और ये बेलपत्र कटे फटे नहीं होने चाहिए, सोमवार को नहीं तोड़ने चाहिए, और अष्टमी और नौमी और चतुर्दशी को, और चौथ, चतुर्दशी, अष्टमी, नौमी, इस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता। और इसके साथ ही अगर बेलपत्र पे चंदन लगा के और शहद लगा के भगवान शिव को चढ़ाए तो बहुत ही शुभ होता है। उसके साथ ही भगवान शिव को ये लाल फूल नहीं चढ़ते हैं, ये माता पार्वती के लिए होता है। पीले सफ़ेद फूल ही चढ़ते हैं, गुलाब का फूल चढ़ा सकते हैं। उसके साथ ही ये यहाँ पर जैसे आग का फूल, ये भगवान शिव को बहुत ही प्यारा है, आप ये चढ़ा सकते हैं। समी पत्र है, ये भी बहुत प्रिय होता भगवान शिव को, ये भी चढ़ता है। प्रसाद में आप मिश्री ला सकते हो, मखाने ला सकते हो, मैं गुड़ लेके आई हूँ जैसे, तो ये प्रसाद में होगा। सिंदूर भी भगवान शिव को नहीं चढ़ता है, ये माता पार्वती को चढ़ता है, इसीलिए मैं माता पार्वती और गणेश जी को सिंदूर चढ़ता है। अभीर चढ़ता है, यानी कि जो गुलाल होता है वो भगवान शिव को चढ़ता है, गुलाब का फूल चढ़ता है, जैसे गुलाबी रंग है ना, ये चढ़ जाएगा। और वैसे तो अक्षत भी चढ़ते हैं लोग, सफ़ेद चावल, साबुत चावल, लेकिन आज एकादशी है इसलिए अक्षत नहीं चढ़ाए। पूजा होगी हमारी, ये बस छोटी सी वीडियो आज पूजा की थाली मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप कि आपने पसंद आए, आपको पसंद आएगी और कैसी लगी आप ज़रूर बताना मुझे। आज सोमवार था तो मैंने सोचा चलो अभी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये आज व्रत, आज मेरा व्रत है और व्रत के दिन पूजा में मैं क्या क्या लेके आती हूँ और कैसे भगवान की पूजा पूरी विधि विधान से करना चाहिए। मतलब पहले हर एक चीज़ का स्नान करवाओ, जैसे जल का, फिर दूध का, फिर जल, फिर दही, फिर जल, फिर शहद, फिर जल, शक्कर, फिर जल, चंदन, फिर जल, घी, फिर जल, और फिर क्या बोलते हैं भस्म, फिर जल। सात स्नान होने के बाद फिर ये चीज़ों को मिला के दूध, दही, शक्कर, शहद, घी, जल और इन उसे मिला के स्नान कराओ, फिर जल से स्नान कराओ और फिर मतलब आप ये चढ़ा सकते हो। तो विधि विधान से अगर आप बोलोगे तो मैं पूरी वीडियो भी दिखा दूँगी। हाल फिलहाल इतना ही, आराम आराम।